हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सुजान सिंह, स्वागत है आपका ओलछान व्लॉग्स में। आज मैं आपको विजिट करा रहा हूँ। मैं नेशनल हाईवे की बात करता हूँ, टनल की बात करता हूँ, सारी चीज़ों की बात करता हूँ, मगर एक आज स्पेशल चीज़ आपके लिए लेके आ रहा हूँ और वो बहुत यूनिक चीज़ है। मैं आज खड़ा हूँ ऐसी पार्क के सामने, जो आप जब मैं अंदर आपको विजिट कराऊँगा आपका दिल खुश हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और साथ में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मैं अभी खड़ा हूँ दारा शेखू बाग, जिसको हम पार्क के नाम से भी जानते हैं। वो इसका ये फ्रेंड्स जो अंदर रास्ता इंट्रेंस होने का, और ये कुछ व्यूज़ है। मैं आपको पहले यूजुअली व्यूज़ दिखा देता हूँ, उसके बाद। पार्क बहुत बड़ी है ये, और ऐसी पार्क डिज़ाइन बहुत कम लोग करते हैं। आप देख रहे होंगे व्यूज़, इससे साफ और इससे क्लीन पार्क आपको कहीं, मुझे नहीं लगता कि कहीं दिखेगी। और ये चुनार के दरख्त जो हैं बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े। ये कुछ इनका स्टाफ ऑफिस में, यहाँ पे जो स्टाफ है वो अभी भी काम कर रहा है इस पर। और जब भी आप जब भी कश्मीर आएँ तो ज़रूर ब्रिजबेरा में एक दारू शेख बाग है, पार्क भी बोलते हैं, बाग यहाँ का नाम रखा गया। तो ये वो पार्क है जिस पे लोग आते, और कम से कम भी ये पार्क का जो साइज़ होगा वो मेरे हिसाब से हर कनाल में कन्वर्ट करें तो मेरे हिसाब से 70, 80 या 90 कनाल जगह होगी कि 100 के करीब होगी। तो ये आप व्यूज़ जो देख रहे हैं ये सारे वही हैं। और ये आप देख रहे हो क्या लिखा है इधर, जम्मू। ये आप देख रहे होंगे जम्मू का SHM। ये क्या लिखा भाई, एस देख रहे हो, ये SHM क्या है यार, ये बहुत यूनिक चीज़ है। SHM बाग, ये बाग। तो ऐसे बहुत सारे आपको व्यूज़ मिल जाएंगे और बहुत क्लीन साफ़ है। यहाँ पे देखेंगे अभी कटिंग चल रही है, यहाँ सी घास, मुझे नहीं लगता कोई पार्क इतनी क्लीन और साफ दिखे। और साथ में बहुत अच्छी ब्यूटी है, बहुत अच्छी पार्क है, जिसमें देखने के बाद ये चनार के कुछ पेड़ है जो बहुत, यानी कि मेरे हिसाब से 50, 60 या 100 साल पुराने होंगे। तो ये थे कुछ व्यूज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप भाइयों को सभी को पसंद आ रहे होंगे। और गर्मी का मौसम है, जब पार्क ऐसा दिखता है और ऐसी ठंडा मौसम मिलता है तो दिल खुश हो जाता है, और होना भी चाहिए। तो ये कुछ व्यूज़ है पार्क के जो मैंने आपको, कटिंग बहुत अच्छी हुई, बहुत ज़्यादा अच्छी। ये मैं एक ही साइड आपको विजिट करा रहा हूँ, दूसरी साइड बहुत बड़ा पार्क है, यहाँ घूमते घूमते इंसान थक जाएगा। तो इन्जॉय कीजिएगा, वीडियो को कमेंट और शेयर करना ना भूले, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके पास फर्स्ट में नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो तब तक रहिए आबाद, खुश रहिए, और बच्चों का, अपनी फैमिली का ज़रूर ध्यान रखिएगा कोविड की महामारी में। और मैं मिलता हूँ एक छोटी सी वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।